जिला बैतूल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बैतूल एसपी सुश्री सिमाला प्रसाद के द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। बैतूल मुख्यालय के पारदी ढाणे में संचालित हो रहे जुआ घर पर 100 से अधिक संयुक्त जिला पुलिस बल ने छापा मारा और कार्रवाई की है, जहां लगभग 1 करोड़ रुपयों के मशरू का बरामद किया गया और जुआ खेलते हुए 27 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं 3,41,000 रुपए, 8 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 17 देसी पिस्तौल, कट्टे और 8 किलो गांजा, 18 मोटरसाइकिल, 60 लीटर कच्ची शराब व 3 कार जब्त किया गया। जुआ घर के मुख्य संचालक अल्फिया पारदी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सभी आरोपियों पर आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बैतूल में पारदी ढाणा नाम का जो क्षेत्र है, जहाँ पे पारदियों को स्थापित किया गया था कई सालों से चौथिया कांड के बाद, वहाँ पे ऐसी हम लोगों को सूचना थी कि बहुत बड़े पैमाने पे जुआ संचालित किया जा रहा है। और इसी सूचना पे 3-4 दिन पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च निकाला था और एक सूक्ष्म तरीके से हम लोगों ने रेकी किया था। और उसके उपरांत कल देर रात को हम लोगों ने दबिश दिया और वहाँ पे जो 27 लोग हम लोगों को मौके पे जुआ खेलते पकड़े गए और उनके पास से हम लोगों को 3,41,000 का जो है कैश मिला है। और इसके साथ ही पूरे पारदी ढाणे की सघन सर्चिंग की गई, जिसमें हम लोगों को 8 किलो गांजा मिला है और 17 जो है पिस्टल जब्त किया है हम लोगों ने, और लगभग 100 लीटर कच्ची शराब भी पाई गई। और वहाँ पे बहुत सारा महुआ लहान वगैरह था जो मौके पे ही नष्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। और इस कार्यवाही में हम और गाड़ियाँ जो हैं हम लोगों ने 18 टू व्हीलर्स जब्त किए हैं जो वहाँ पे खेलने के लिए आए थे, और जो खिलवाते थे जो मुख्य सरगना है अल्सिया पारदी, उसकी हम लोगों ने 2 बड़ी 4 व्हीलर्स लग्जरी कार्स जो हैं वो जब्त की है, और इसके साथ ही साथ एक बुलेरो कार भी जब्त की गई। गांजा भी पकड़ाया था, गांजा लगभग 8 किलो। अभी और क्या आगे कार्रवाई बाकी है? इसमें एक पुनः सर्चिंग और होगी पारदी ढाणे की, क्योंकि बहुत तरीके की अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, और इसमें डे टाइम में हम एक सर्चिंग और करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो अल्सिया पारदी है जो मुख्य सरगना है, उसका जो नया आवास है जो चक्कर रोड पे, उसकी भी पुलिस सघन सर्चिंग करेगी। कितनी गिरफ्तारी हुई है और मुख्य सरगना कहाँ कब मिलेगा? 27 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने मौके से किया है, और जो इसके मुख्य साथी थे वो भी पुलिस ने राउंड अप किए हैं मौके से ही, और जो मुख्य आरोपी है वो भी हम एक आज या कल में उसको भी राउंड अप करेंगे। टोटल कितना मसला है, उसका कितना कीमत बनता है?